के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उन सभी में किसानों की हालत सबसे ज्यादा बदतर। जब हम आंदोलन पहले करते थे तो वो कहते थे कि ये आंदोलन बीजेपी के लोग करवा रहे, अब हम करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस के लोग करवा रहे। 2+2=4 होता है। अगर ये कोई भी अपराधी भी कहता है तो बात तो मानना पड़ेगी। 43% आत्महत्याएं किसानों की बढ़ी है। चना का आयात आप बाहर से कर रहे हैं, तुअर का आयात आपने 2021 तक का खुद पीएम ने एग्रीमेंट किया है, अफ्रीका से किया है, पाकिस्तान से आप शुगर बुलाएंगे, वे तमाम चीजें आप कर रहे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था उस पर आप मुकर गए। आपने 2015 सुप्रीम कोर्ट में आपने शपथ पत्र दिया है कि किसानों को उसकी लागत का लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते। ये तमाम चीजें आपने की है। भावांतर योजना एक लूट योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक डकैती योजना है। तो 43% आत्महत्याएं वैसे नहीं बढ़ गई। किसानों अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं ये कहकर हम उत्तरदायित्व से नहीं बच सके। भारतीय जनता पार्टी अपने नैतिक उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कर रही है, उसकी निर्दयता है। आप किसान की समस्या पर बात करने को तैयार नहीं है। 4 साल में आपने एक भी संगठन से पीएम से बात नहीं की है। ऊपर से हम जब मांग करें तो ये कह दें कि कांग्रेस करवा रही है। ये हमारे आंदोलन का अपमान है, इस देश के किसानों के साथ अपमान है। क्या हुआ है, हम लोगों ने जब यात्रा की थी तो उसमें सभी लोग हैं, तब हमारे साथ 50 संगठन थे। 2017 10-11 जनवरी को भोपाल में पहला अधिवेशन हुआ था, साथ ही जुड़ते गए, कारवा बनता गया। जब ये आंदोलन के 2 महीने बचे थे तब तक हम लोग 130 संगठन इसमें थे। इसके बाद जब आंदोलन चलने लगा तो बहुत सारे साथियों ने मुन्नाम सिंह जी को, हरपाल सिंह जी को, इनको कहा कि हम भी आपका साथ दे रहे हैं, और देते देते जन आंदोलन कर मुन्नाम सिंह ने कहा कि जन आंदोलन बन गया है, तो संख्या बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना ही है, अब संख्या उससे बहुत ज्यादा है। और आंदोलन में फिर कोई संख्या नहीं गिनता उसमें, भाई आपका समर्थन ठीक है, दीजिए आपका समर्थन। तो पहले यही आंदोलन केवल मध्य प्रदेश के 16 जिले में हुआ था, फिर हमने कॉल किया। ये तो हमारा क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल होगा, फाइनल मैच तो हम खेलेंगे। अभी तो ये हमारा, जब तक हमारी मांगे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए। इस देश में 2 धाराएं चल रही है, 2 रास्ते। भाई साहब क्या कर रहे हैं, नीचे झुक जाओ ना। एक पूरी तरीके से गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल हम लोग हैं, और वो लोग जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में, सभी लोग पॉलिटिकल हैं। जैसे योगेंद्र यादव जी हम एक पार्टी के हेड हैं, बीएम सिंह साहब एक पार्टी के हेड हैं, उसके बाद में किसान महासभा वो कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का किसान भी है। तो वो तमाम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं और उनका टारगेट अपनी राजनीति भी है, अपना प्लेटफॉर्म तलाशना भी है। हम लोग चूंकि गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, हमारा टारगेट केवल और केवल किसान का वेलफेयर के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि आज से 27 को और 28 को योगेंद्र यादव जी ने, जो मैंने टीवी में देखा, बयान दिया कि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं है। बाद में उनका बयान आता है कि आंदोलन हमारा ही है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते। हमने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहित अधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये महसूस करते हैं, तमाम दलों के नेता ये महसूस करते हैं कि इस देश का किसान संकट में है, उसकी हमको सहायता करना चाहिए, तो वो हमारे को समर्थन देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। मगर हमारी कंडीशन ये है कि हम उनके मंच पर नहीं जाएंगे, वो हमारे मंच पर नहीं आएंगे, झंडा डंडा टोपी लेकर लगा के हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे, वो तो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं किसानों से। देखिए किसानों के हित में जो भी मांग करेगा हम उस सारी मांगों का समर्थन करते हैं,
पर उससे निष्कर्ष किसानों के हित में निकले ये उम्मीद भी करते हैं।